नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव न्यूज और N20 लाइव न्यूज पंचायती क्षेत्र में हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। और आज हम लोग पहुंचे हैं सिवान से चलकर अकोली पंचायत के राजकुमार पासी जी के द्वार पे, जहां की जैन सैलाब के साथ इन्होंने अपना समर्थन में जुटे हुए हैं और इनसे कुछ बात करते हैं। तो सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपके क्षेत्र में चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? चुनाव में आप तो दिख ही रहे हैं, तैयारी एकदम हम लोग अपने तहे दिल से जोर शोर को लगे हुए हैं। तैयारी हमको करना क्या है, हम तो 5 साल से मुखिया हैं, 5 साल से जनता के बीच में ही रहे हैं। अब किस मुद्दा को लेकर और कैसे जा रहे हैं? मैं सबसे पहले अकोली पंचायत के तमाम जनता जनार्दन को पै छू कर मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं। मुद्दा तो मेरे पास बहुते हैं, बहुत काम भी किए हैं, क्योंकि कंडीशन मेरा 5 साल का दूसरा तरह का था। समय मुझे बहुत कम मिला है, मात्र 2 साल का समय मिला। उस 2 साल में कोरोना महामारी भी था, उस कोरोना महामारी में भी मैं जो किया हूँ इस पंचायत के जनता लोग देख रहे हैं। कोरोना काल के दौरान जो मास्क और साबुन बट रही थी, आपके द्वारा ये सब जनता को लाभ मिली? इस चीज को आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ कि कोरोना महामारी में अपने परिवार के लोग, जिस व्यक्ति को कोरोना हो जाता था, अपने परिवार के लोग, अपने भाई बंधु माता पिता लोग नहीं छूते थे। इस कोरोना के महामारी में मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके परिवार में हो जाता था कोरोना, उसको मैं बैठा कर अपने अपने कंधे पर लाद कर हॉस्पिटल ले जाना, क्वारंटाइन सेंटर पर जाना, तरह तरह की जो भी सुविधाएं थी, मैं हर पहलू पर मैं उतरा हूँ, खड़ा उतरा हूँ। और जो ये मुख्यमंत्री साथ योजना निश्चय चला हुआ था, आपके क्षेत्र में कहाँ तक सफल हुआ? उनका सफल है, जितना भी वार्ड है मुख्यमंत्री साथ निश्चय का, हर वार्ड में उनका सफल हुआ है। सब जगह पानी चल रहा है। मैं अंत में आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र अकोली पंचायत की जितने जनता जनार्दन हैं, उनके लिए आपके कोई नया सूचना? नया सूचना मेरे तरफ से यही है, जनता जनार्दन से मैं हाथ जोड़कर विनती करके कर रहा हूँ कि जो भी अधूरे काम बचे हैं आप मुझे एक बार और मौका दीजिए, मैं सबसे पहले उस अधूरे काम को पूरा करूँगा। एक चीज और बता दे रहा हूँ कि आज चुनाव है, चुनाव में तमाम लोग अपने ही गांव जवार के लोग लड़े हुए हैं, उठे खड़े हुए हैं। वोट के प्रति किसी व्यक्ति को इस तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए कि वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है। भाई, नेता हकारी लोग नहीं छोड़ेंगे वोट के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टॉप कीजिए जी। आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम बसंत कुमार सिंह है, मैं यही गांव का निवासी हूँ। आप क्या देखकर इनको राजकुमार पासी जी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहा है कि मुखिया तो वही है लेकिन समाज के लिए, गांव के लिए बेटा है। इस कोरोना महामारी में कोई ऐसा मुखिया नहीं है जो अपने हाथ पर पिट्ठू बैग लेकर डिब्बा में हर गाँव हर पंचायत में सैनिटाइजर किया, हर संभव जनता के साथ दुख सुख में रहते हैं। मुखिया नहीं है, हमारे गांव के बेटा है और जनता इनके साथ है। कुछ छंद लोग परेशान है जो वोट के ठेकेदार बन रहे हैं अपने आप को, वही लोग परेशान है। ये चुनाव भारी मतों से इनको हम लोग जिता रहे हैं। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद। क्या आपको पता है कि किरण देवी जो मोतियों का माला छाप एक नंबर का अंकित है, आप लोग उनको माला पहनाएंगे? एकदम भरपूर सहयोग के साथ, जोश के साथ, उल्लास के साथ जनता इनके साथ है। ये गरीबों का बेटा है, गरीबों के साथ रहे हैं, गरीबों के सुख दुख में अपना काम छोड़कर बेचारा ये रहते हैं, हरदम लगन से रहते हैं। इनके साथ पूरा जनता है, बहुत जोश होश हवास से हम लोग इनको चुनाव जिताएंगे। बस चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। कुछ छंद लोग हैं जो इनसे परेशान है,
उन लोगों का बिजनेस बंद होने वाला है, एकदम जनता बंद कर देगी, उनको मुंह पर ताला मार देगी, एकदम उन लोगों का राजनीतिक जो दुकान चलाए हैं वो बंद हो जाएगा। हम लोग इनके साथ है, देख लीजिए जनता, अब पूरा कुछ लोग हैं जाति पाति ऊंच नीच करके लड़ा रहे हैं, ये हमारे लिए मुखिया नहीं, हमारे गांव का बेटा है, इनके साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर हैं, हरदम रहेंगे। और ये जो प्रचार चुनाव होता है उसके दो दिन बाद कयामत की रात होती है, जिसमें पैसा प्रचार, दारू प्रचार, मुर्गा प्रचार, उस पर आप लोग क्या बोले? देखिए हमारे ये सब हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग अगर हम हमारा काम बढ़िया होगा तो हमको जनता चुनेगी और नहीं तो नहीं चुनेगी। आज पहले वाला समय नहीं रह गया है कि दारू से शराब से पैसा बांटकर लोगों का वोट खरीद लिया जाए, ये हम लोग नहीं करेंगे। चलिए तो यहाँ पे साफ साफ पता चलता है कि किरण देवी इस बार की जो मुखिया प्रत्याशी पहले से थी और दूसरी बार के लिए ये तैयारी अपनी कर रही है। जनता से मिलने के बाद स्पष्ट रूप से ये पता चल रहा है कि जो काम अधूरे हुए हैं वो